विनीताज किचन में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर क्लिक करें ताकि मैं कोई भी रेसिपी अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। पाँच सौ ग्राम मैंने पालक के पत्ते लिए हैं जिसको मैंने काट के अच्छे से साफ़ कर लिया है, धो लिया अच्छे पानी से। सबसे पहले कढ़ाई में डेढ़ गिलास पानी डालना है और उसमें पालक के पत्तों को डेढ़ से दो मिनट तक इसमें बॉयल करना है। इसको ज़्यादा बॉयल नहीं करना है दोस्तों, ताकि इसका कलर ग्रीन रहे, नहीं तो डार्क ग्रीन हो जाएगा और देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। दो मिनट बॉयल करने के बाद मैंने इसको निकाल लिया है किसी प्लेट में ठंडा होने के लिए, और ठंडा होने के बाद मैं इसको मिक्सर जार में फाइन पेस्ट तैयार कर लूँगी। देखिए मैंने इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। चलिए इसका मसाला बनाते हैं। मैंने पैन में एक चम्मच जीरा, आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा, एक चम्मच खड़ा धनिया, इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। ये मसाला पालक का थोड़ा सा कड़वापन को दूर करेगा और इस मसाले से पालक पनीर बहुत ही टेस्टी बनेगा। मैंने पनीर 300 ग्राम लिया है, होममेड पनीर है, और मैंने इसको क्यूब आकार में कट कर लिया है। सबसे पहले पैन में मैं देसी घी डालूंगी, चाहे तो आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी से थोड़ा इसका टेस्ट थोड़ा अलग ही आएगा। आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करिए। सूखा लाल मिर्च दो, तेज पत्ता दो, और उसको हल्का मीडियम फ्लेम पे ही थोड़ी देर उसको भून लेना है। फिर मैं इसमें सात से आठ लहसुन की कलियों को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, चाहे तो आप इसका कद्दूकस भी कर सकते हैं। और एक इंच अदरक का टुकड़े को मैंने कद्दूकस कर लिया है, उसको मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है, इससे थोड़ा टेस्ट और भी अच्छा लगेगा। और मैंने दो मीडियम साइज के प्याज को मैंने बारीक बारीक कट कर लिए हैं और इसको हल्का सा गुलाबी होने तक इसको भूनना है, मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है इसको। प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन हो गया है, मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च एक चम्मच, हल्दी पाउडर एक चम्मच, जो मैंने मसाला रेडी किया था वो मैं उसमें ऐड कर दूंगी, नमक स्वाद अनुसार। इसको मीडियम फ्लेम पे भूनना है क्योंकि ड्राई मसाले हैं हमारे, जले नहीं, इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है। मैंने तीन चार टमाटर को मिक्सर जार में पीस के पेस्ट तैयार कर लिया है, फिर मैं इसमें ऐड करूंगी। इससे थोड़ा सा पालक में जो कड़वापन रहता है वो नहीं रहता है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मसाला भून के रेडी हो गया है और इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है, देखिए किनारे से ये तेल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें पालक का पेस्ट डालूंगी और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जो मैंने इसमें तेज पत्ता डाला है उसको मैं निकाल लूँगी ताकि हमारे मुंह में ना जाए, इसका फ्लेवर इसमें आ चुका है। अब मैं इसमें पालक के जो पानी बचे हुए थे वही है, उसी को ऐड करना, कोई अलग से पानी इसमें ऐड नहीं करना है। और आप ग्रेवी पतला या गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन इसकी ग्रेवी बहुत पतला नहीं रहता है, आप देख रहे होंगे। फिर मैं इसको कवर करके दो मिनट तक रख दूंगी। चलिए चेक कर लेते हैं हमारा ग्रेवी पक गया है कि नहीं। देखिए बॉइल्ड हो गया है, हमारी ग्रेवी अच्छे से पक गई है। अब मैं इसमें पनीर के क्यूब्स डाल दूंगी, पनीर को फ्राई नहीं करना है, और उसमें गरम मसाला डेढ़ से दो चम्मच के करीब डालना है। ये गरम मसाला बाद में डालने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और हमें तो बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। और इसको दो से तीन मिनट तक फिर इसको पका लेना है। देखिए हमारा पालक पनीर बनके रेडी हो गया है।
और मैं इसको सर्विंग बाउल में निकाल लिया है और मैंने ऊपर से पनीर से इसको डेकोरेट कर दिया है, आप देख रहे होंगे। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, इसको चावल पूरी रोटी आप किसी भी साथ खा सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।